युवा शक्ति संगठन के बैनर तले सुपेला गदाज चौक स्थित अंग्रेजी व देशी शराब दुकान हटाने मुख्यमंत्री निवास भिलाई तीन तक पदयात्रा निकाली गई। रैली को तहसीलदार की उपस्थिति में सुपेला पुलिस द्वारा चौक में रोक दिया गया जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया सुपेला लक्ष्मी मार्केट गदा चौक के समीप स्थित देशी और अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने युवा शक्ति संगठन द्वारा लंबे वक्त से मांग कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है कुछ दिनों पूर्व ही संगठन द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था शराब दुकानों को हटाने संगठन के नेतृत्व में सुपेला गदा चौक से मुख्यमंत्री आवास भिलाई तीन तक पदयात्रा निकाली गई पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए गदा चौक से निकली युवा शक्ति संगठन की पदयात्रा को पुलिस द्वारा तहसीलदार क्षमा यादव की उपस्थिति में सुपिला चौक के समीप रोक दिया गया जहां काफी वक्त तक रैली की अगुवाई कर रहे संगठन के नेताओं और तहसीलदार के बीच चर्चा जारी रही और पदाधिकारी मुख्यमंत्री आवास तक जाने की मांग पर अड़े रहे साथ ही सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया काफी वक्त तक हुई चर्चा के बाद पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपने तैयार हुए और अपनी मांग का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सेन ने पदयात्रा को लेकर जानकारी दी जी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से गदा चौक से माननीय मुख्यमंत्री निवास लाचीन तक का पदयात्रा का यह रूपरेखा तैयार किया गया है निश्चित तौर पर यह शराब भट्टी जो मुख्य मार्ग पर है लगातार युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हम इसको अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्था है जो स्थल का इन लोग रूपरेखा तैयार की है मुझे नहीं लगता कि इन लोग इस पर विचार कर रहे हैं इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर ज्ञापन देना चाह रहे हैं बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से पारस जंगेल शारदा गुप्ता पार्षद महेश वर्मा नवीन सिंह पूर्व पार्षद धनेश्वरी साहू माला ठाकुर राजेश सिंह राजेंद्र कुमार जुनैद खान अमिताभ भट्टाचार्य सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे